आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे स्लोप को एंगल में तब्दील कर सकते हैं और इस फार्मूला की मदद से आप कैसे रोड, रैंप, डहलवानी, छतों वगैरह की स्लोप को एंगल में तब्दील कर सकते हैं। आज हम इस फार्मूला की मदद से ये जो सामने आपको रैंप नजर आ रहा है इसकी स्लोप को एंगल में तब्दील करेंगे। इस रैंप की स्लोप हमें 5% दी गई है जबकि इसकी बेस की लेंथ 20 फीट है। अब हम इसकी बेस लाइन और स्लोप लाइन दोनों के दरमियान एंगल को मालूम करेंगे। एंगल को मालूम करने के लिए एंगल इक्वल है, एंगल मालूम करने के लिए हम स्लोप को डिवाइड 100 करके उसका टेन इनवर्स लेंगे। यानी कि जब हम 5% स्लोप को डिवाइड 100 करेंगे तो हमारी स्लोप की परसेंटेज खत्म हो जाएगी कि हमारी स्लोप 0.05 आ गई। अब एंगल मालूम करने के लिए हम 0.05 का टेन इनवर्स लेंगे तो हमारा एंगल 2.8624 पॉइंट्स में आ जाएगा। अब हम जब कैलकुलेटर में डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी स्लोप 2 डिग्री 51 मिनट्स 44.66 सेकंड आ जाएगी। यानी कि इस तरीकाकार से आप किसी भी ढहलवानी चीज का एंगल मालूम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मजीद हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। Thank you.